सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल अकेडमिया अंबाला पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ 10 ज्योतिषी गधा को विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, आप जानते हो इस पाठ का नाम ज्योतिषी गधा क्यों पड़ा? क्योंकि जानवरों की इंद्रियां हम मनुष्यों से अधिक तेज एवं सक्रिय होती हैं और इसीलिए उन्हें आने वाले किसी भी प्राकृतिक संकट का अनुमान हो जाता है। वे अपने व्यवहार से हमें इसकी सूचना पहले ही दे देते हैं, बस हमें उसे समय पर समझना होता है। तो चलिए इस मजेदार पाठ को समझते हैं। इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी था क्योंकि अक्सर उसकी बताई हुई बातें सच हो जाती थी, परंतु उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। एक बार उसे अपनी फसल कटवाने गांव जाना पड़ा। वहां उसके पड़ोस में क्रिस्टियानो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पांव में कुछ खराबी के कारण गधे पर बैठकर इधर उधर घूमता था। अल्फांसो के खेतों से करीब से गुजरते हुए उसने अल्फांसो की मक्का की कटी हुई फसल को देखकर चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, इसलिए तुम अपनी फसल को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। परंतु अल्फांसो तो खुद ही एक ज्योतिष था, जिस बात पर उसे घमंड भी बड़ा था। उसने अपने नक्षत्रों का हिसाब किताब लगा के कहा यह असंभव है, और क्रिस्टियानो की बात का जरा भी भरोसा न किया। परंतु क्रिस्टियानो ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों ने काफी देर बहस भी हुई, मगर जब अल्फांसो नहीं माना तो क्रिस्टियानो हार कर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में अचानक मौसम बदल गया। भयानक तूफान, आंधी, तेज बारिश होने लगी और अल्फांसो की सारी फसल बारिश और बाढ़ में बह गई। बस फिर क्या था, वो सर पकड़कर रोने लगा। फसल की खराबी से ज्यादा उसे यह बात सता रही थी कि भला कोई मुझसे अच्छी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। आखिर क्रिस्टियानो को यह सब बात पता कैसे चली? फिर क्या था, मौसम ठीक होते ही अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास पहुंच गया और आश्चर्यचकित होकर पूछा, आखिर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? क्रिस्टियानो ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मुझे मेरे गधे की हरकतों से पता चला। परंतु अल्फांसो को यह विश्वास न हुआ। तब क्रिस्टियानो ने उसे समझाया कि जब भी कभी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरे गधे का व्यवहार बदल जाता है। वह अपनी पीठ अकड़ा लेता है, पूंछ को टांगों में दुबका लेता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तेज बुखार चढ़ जाता है, तो मैं जान जाता हूं और सावधान हो जाता हूं। परंतु तुम तो ज्योतिष के कितने बड़े जानकार हो, तुम्हें इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए। यह सब सुनकर अल्फांसो बुद बन गया। क्रिस्टियानो ने उसे समझाया कि इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। तुम खुद सोचो, मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि सुबह हो गई है, और समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना मछलियां कैसे कूद कूद कर जहाजियों को देती हैं। तुम जानते हो पशु की छठी इंद्री होती है, जिससे वह किसी भी खतरे का आभास लगा लेते हैं। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़ देते हैं, और यहां तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूकंप के आने का आभास हो जाता है। तो फिर मेरा गधा मौसम के बारे में क्यों नहीं जान सकता? यह सब सुनकर अल्फांसो का घमंड टूट गया और वह मान गया कि क्रिस्टियानो का गधा उससे कहीं अच्छा ज्योतिषी है, क्योंकि वह क्रिस्टियानो की बात और उसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे से समझ गया था। तो बच्चों, हमें किसी भी प्राकृतिक आपदा का अनुमान होते ही उसे नजरअंदाज करने की बजाय उससे बचने का उपाय करना चाहिए, और इन छोटी छोटी वैज्ञानिक बातों का हमेशा अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, तथा कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।